बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। बंधौरा पुलिस की तानाशाही रवैया, दिन में राह चलते दंपति व बच्चे पर हुआ जानलेवा हमला व की गई लूट, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी दर्ज नहीं हुआ मामला। सिंगरौली जिले के थाना माड़ा चौकी बंधौरा का एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें मारपीट के मामले में 24 घंटे के ऊपर बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि पीड़ित के शरीर पर मारपीट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राह चलते दंपति व उसके बच्चे के साथ 11 लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, उनके साथ लूटपाट भी किया गया, लेकिन बंधौरा पुलिस ने 24 घंटे के बाद भी इस मामले में कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। पीड़ित गुलाब साकेत अपनी पत्नी व बच्चे के साथ निमंत्रण में जा रहे थे, तभी बेतरिया में घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने लाठी डंडे व बेल्ट से मारपीट किया गया। वहीं पीड़िता ने बताया कि निमंत्रण में जा रहे थे, इसलिए 5,000 रुपये की भी लूट की गई है। गुलाब साकेत द्वारा बंधौरा पुलिस को उनके साथ मारपीट करने वालों का नाम तक बताया गया, लेकिन इसके बावजूद बंधौरा पुलिस चौकी प्रभारी ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। आचार संहिता भी बंधौरा पुलिस क्षेत्र में इस तरह का वारदात सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। सिंगरौली से MPCD 24 न्यूज़ एक्सप्रेस सिंगरौली से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। हमारे ससुराल में शादी था लड़की का, तो वहाँ जा रहे थे, ग्रामों से 10 बजे निकले और रास्ते में भूमि और बतरिया गांव पर गए, इस समय 11 बज रहे थे, यानी बॉर्डर पे वहाँ एक नाला है, पुलिया भी है, वहाँ गहरा टाइप में है। उस जगह से चारों तरफ से लोग गाड़ी मोटरसाइकिल से उतर उतर के हमको घेर लिए। कौन कौन से लोग थे उसमें से? आप लोग कौन कौन थे, कितने लोग थे आप लोग? हम थे और हमारी पत्नी और एक मेरा बच्चा था, 3 लोग थे। 3 लोगों में से औरत के पास छेड़ाखानी करना शुरू कर दिए, गाली और मेरे को मारना शुरू कर दिए और गाली देना शुरू कर दिए। फिर भी मेरे जेब से पैसे निकाल लिए, आधार कार्ड भी निकाल लिए और सर में पानी। कितना पैसा लिए थे आप? 5,000। 5,000 पैसा लिए? 5,000 पैसे लिए थे। पहचानते हैं आप उन लोगों को? 2 लोगों को पहचानते हैं। क्या नाम है? सूरज साकेत पिता और नरेश साकेत। पहले भी आपसे कहीं झगड़ा हुआ था इनसे? इनसे नहीं हुआ था, पहली बार झगड़ा हुआ है। पहली बार झगड़ा हुआ है इस लड़के से। और जो मारपीट किए थे, कितने लोग थे वहाँ पे? 11 लोग थे। अच्छा, 11 लोग थे लोग? 11 लोग थे। तो कल आपने यहाँ पे आवेदन दिया था, किस चौकी में दिया था आवेदन? यही आकर बनारा चौकी में दिए। बधौरा चौकी में दिए? बताया अनुसार हमारा आवेदन नहीं लिखा गया, मतलब रिपोर्ट नहीं लिखा गया, रिपोर्ट नहीं लिखा गया, आवेदन बस लिख करके दे दिया। क्या चाहते हैं आप? सर, कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ये लोग घटना कभी भी कर सकते हैं। जो कि रास्ते चलते समय भी ऐसे कर रहे हैं, दिन में तो रात भी, रात कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम आपका? गुलाब साहब है। कहाँ से? ग्राम नादोल से। ये अभी नहीं बता रहे थे हम, इसका काट दिए, छेड़ाखानी करना शुरू कर दिया। क्या नाम है आपका? गाली गलौज बता दो। कब की घटना है ये? कितने लोग थे मार करने वाले, मारपीट करने वाले? 11 लोग। आपको भी मारे हैं? हाँ। कहाँ कहाँ मारे हैं? ये मारे हैं, ये हमारे। अच्छा, हाथ तो फूल गया है। हाँ। कौन कौन थे आप लोग? 3 लोग। फिर यहाँ आवेदन लिखवाने के लिए आए हुए थे, रिपोर्ट तो ये लोग क्या बोले? ये लोग बोला कि क्या कहना, हम लोग बताए कि हमारा आधार कार्ड लूट लिया, 5,000 पैसा भी लूट लिया और एक डायरी भी लूट लिया। तो कहा कि इसको बताओगे ना तो यहाँ का कहना ये रिपोर्ट नहीं बनेगा। तो फिर मैडम थे गई, तो मैडम बताएं कि नहीं इसका रिपोर्ट लिखिए, इसका कार्रवाई करिए। फिर रिपोर्ट लिखा लो, फिर क्या कहना कार्रवाई कुछ नहीं करें, रिपोर्ट भर लिखा, सादा कागज़ पे लिखे। हाँ। अभी FIR दर्ज नहीं हुई? नहीं हुआ। रिसीविंग मिला है? पन्ना मिला।